तो दोस्तों कॉर्न मेथी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी और हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब मैं इसमें अपना खड़ा मसाला डालूंगी। तो खड़े मसाले में मैंने लिया है दालचीनी, लविंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा, इलायची और एक स्टार एनीस। खड़ा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी लंबी कटी हरी मिर्च, फिर मैं डालूंगी मेथी, आधा कप कॉर्न लिया है, अब मैं इसमें कॉर्न डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप चावल लिया है, अब मैं इसको इसमें अंदर डाल दूंगी, उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी, और अब मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और इसको हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और हमको गैस की आंच तेज करनी है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक उबाल आ चुका है, अब मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी और इसको 5 मिनट पकने दूंगी ताकि हमारे चावल अच्छे से पक जाए। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं चावल को चेक करूंगी कि अच्छे से बन गए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लूंगी।